अस्सलामुअलैकुम। आज सबको ईद मुबारक। आज ईद का दिन है और इस वक्त शालीमार एक्सप्रेस आ रही है लाहौर से कराची जाने के लिए। यह अभी सामने से गुज़रेगी और आवाज़ उसकी जो है ट्रैक साउंड वो आ रही है। अभी ट्रेन भी सामने आ जाएगी। सामने नजर आ रही है ट्रेन। ये इंजन की एक यूनिक आवाज और अब ट्रेन सामने आ गई है। स्पीड के साथ मिट्टी और धूल उड़ाते हुए ये यहाँ से गुजरेगी। धूल और मिट्टी उड़ाते हुए बहुत स्पीड से गुजरी है यहाँ से। और अभी इसी के पीछे पीछे खैबर मेल एक्सप्रेस भी आ रही है जो कि आदमवान रेलवे स्टेशन पे खड़ी थी जब ये बहावलपुर पहुँची थी। और अभी खैबर मेल एक्सप्रेस का भी आपको यहाँ से क्रॉसिंग जो है यहाँ से होगी वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही इसके ये रेलवे ट्रैक की डाउन साइड है जो लेफ़्ट पे आपको ट्रैक नज़र आ रहा है। ये बहावलनगर रेलवे लाइन है जो समस अट्टा से ओरिजिनेट होती है और बहावलनगर तक जाती है, लेकिन अब ये ट्रैक बहावलनगर तक नहीं जाता। गालबन खैरपुर टामे वाली तक ट्रैक मौजूद है, उसके आगे ट्रैक को ख़त्म कर दिया गया है। शायद उसकी रिहेबिलिटेशन या नया ट्रैक बिछाया जाएगा। खैरपुर टामे वाली तक अभी भी ये ट्रैक फंक्शनल है जो लेफ़्ट हैंड पे आपको नज़र आ रहा है। जो मिड वाली रेलवे लाइन है ये डाउन ट्रैक है लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेनों के लिए, और जो राइट हैंड पे है लास्ट वन ये है अपसाइड का ट्रैक। ये जो कराची से आने वाली ट्रेनें हैं वो इस ट्रैक से गुज़रती हैं। और जो लेफ़्ट ट्रैक है ये ओरिजिनेट समसटा जंक्शन से होता है। और अब हम इसकी ये इसकी अप साइड है इस ट्रैक की। इसमें अब जाहिर है जो राइट साइड पे अब जो आपको नज़र आ रहा है ये बहावलनगर जाने वाला ट्रैक है। जो मिड वाला है ये डाउन ट्रैक है लाहौर से आने वाली ट्रेनों का, और जो लेफ़्ट पे है वो कराची से लाहौर जाने वाली ट्रेनों का है। सामने ही थोड़ा सा आगे ये आपको ट्रैक मुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेफ़्ट और मिड वाला जो ट्रैक है ये आपको मुड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये बहावलपुर की तरफ मुड़ जाता है। और जो राइट पे ट्रैक है ये सीधा बगदादुल जदीद रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है। इसी रेलवे लाइन पर जो बहावलपुर में मशहूर फॉरेस्ट है लाल सुहारा नेशनल पार्क, वो इसी ट्रैक पर वाक़ है। तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर यहाँ से ट्रैक आगे जाकर लाल सुहारा नेशनल पार्क वाक़ है। वो राइट पे जाने वाला ट्रैक जो सीधा जा रहा है ये उसी तरफ जा रहा है, आगे खैरपुर टामे वाली हासिलपुर और फिर बहावलनगर तक जाता है। और अभी खैबर मेल एक्सप्रेस बहावलपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुकी है। वो जो दरमियान वाला ट्रैक है इससे गुज़रेगी यहाँ से, जो कि
थोड़ा सा आगे से नज़र आ रहा है आपको कि वो कर्व हुआ हुआ है, उधर से आएगी, उस साइड से आएगी और ये दरमियान वाले ट्रैक से गुजरेगी। और जो इस वक्त हम खड़े हुए हैं ये नेशनल हाईवे का जो ब्रिज है बाईपास बहावलपुर का, जो कराची से लाहौर जाने के लिए है, उसके नीचे खड़े हुए हैं क्योंकि बाहर धूप बहुत है। और खैबर मिल एक्सप्रेस इस वक्त बहावलपुर रेलवे स्टेशन से रवाना हो गई है, अभी तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ से शालीमार एक्सप्रेस गुजरी है जो हमने कैप्चर की थी, और अभी थोड़ी देर में खैबर मिल एक्सप्रेस भी यहाँ से गुजरेगी जिसकी स्पीड कम से कम 100 किलोमीटर होगी, इस स्पीड से ज़्यादा से ही गुजरेगी, इससे कम से नहीं गुजरेगी। क्योंकि अभी शालीमार एक्सप्रेस जब गुजरी थी तो उसने बहुत धूल और मिट्टी उड़ाते हुए गई थी। यह आपको ग्रीन, ज़ाहिर मार्च ख़त्म हुआ है, अप्रैल शुरू हो गया है और जो दरख्त हैं वो भी सरसब्ज हुए हुए हैं। आसमान पे बादलों के जो टुकड़े हैं वो मंडलाते फिर रहे हैं, गर्मी है, हवा चल रही है। धूप भी है लेकिन गर्द वाला मौसम है, यानी धूप सूरज के आगे गर्द और हवा में गर्द मौजूद है। वैसे लोग ईद मना रहे हैं और हम ये यह काम करते फिर दें वीडियोस बनाने वाले ईद मना रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो लेट और ये हमारे गौस शाह साहब हैं हमारे दोस्त, ये देखें ये इस पे मोटरसाइकिल पर रेस्ट कर रहे हैं। और अब्दुल्ला सानी साहब तो खैर इन्हें जानते हैं, अगर अब्दुल्ला सानी साहब वीडियो देख रहे हैं तो अब्दुल्ला सानी साहब को चाहिए कि वो कमेंट करें कमेंट ये ना करें कि और ये खैबर मेल एक्सप्रेस, इसकी ट्रैक की साउंड, जो ट्रैक साउंड है वो आना शुरू हो गई है और जो आवाज़ है वो बता रही है कि ट्रेन बड़े स्पीड के साथ आ रही है। अभी ये सामने भी नज़र आ जाएगी, वो नज़र आ गई, ट्रेन सामने आ गई है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे इसका एक 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 बल्ब फ्यूज़ हुआ हुआ है इसका एक एक बल्ब फ्यूज़ है गौस साहब, नीचे वाला हाँ साइड वाला एक बल्ब फ्यूज़ है।